Hello my dear student, I am your teacher of Hindi and today's class we discuss our Hindi topics. So let's see what we will discuss in today's class. Dear student, अब तक हमने हमारे 5 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट कर लिए थे. इसमें से कुछ हमने ग्रामर का पोर्शन भी कर लिया था. आज हम हमारा जो रीडिंग पोर्शन है यानी कि हिंदी का जो नेक्स्ट पोर्शन है ग्रामर के अलावा चैप्टर 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन यानी ये चैप्टर आज हमारा रहेगा. इस चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे. अब स्वस्थ तन सुखी जीवन इसका अर्थ देखते हैं. अगर तन यानी शरीर होता है स्वस्थ यानी हेल्दी. जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा हेल्दी वेल्दी रहेगा तभी तो हम हमारे जीवन का आनंद ले पाएंगे. यदि हमारा जीवन हमें सुखी करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा. इसके लिए हमें हमारे स्वास्थ्य को सुखी रखना पड़ेगा, स्वस्थ रखना पड़ेगा. तो देखिए आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे. देखते हैं किस प्रकार हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारे जीवन को सुखी बना सकते हैं. देखिए शाम हो गई. दादाजी चौक में मुड्ढे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे. शाम हो गई थी. दादाजी क्या कर रहे थे, मुड्ढा बच्चों बैठने का एक लकड़ी का बना हुआ चेयर के जिस कुर्सी के जैसा आइटम होता है तो वहाँ दादाजी बैठे हुए थे और बच्चों को आवाज़ लगा रहे थे. मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे. जैसे कि आप जानते हो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल पे ही अपने सारे गेम्स खेलते हैं. तो दादाजी ने तो उनको आवाज़ लगाई जा रहे थे लेकिन बच्चे क्या कर रहे थे, वो मोबाइल गेम में लगे हुए थे. आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से, दादाजी के साथ बैठो तो दो बात काम की सीखोगे. तोशी बिट्टू हनी तीनों चलो बाहर. अब सुषमा जो है हमें पता चलेगा आगे कि सुषमा कौन है. तो सुषमा उन बच्चों के पास गई और बोली कि तुम्हें इन गेम से यानी मोबाइल में जो गेम खेले जाते हैं उनसे आपको क्या मिल जाएगा, दादाजी बाहर बैठे हैं उनके पास जाओ. जैसा कि हम जानते हैं हमारे जो बड़े होते हैं वो हमेशा ही हमें काम की बातें बताते हैं, काम की जो ज़रूरी बातें होती हैं उनकी सीख हमें उनसे मिलती है. तो सुषमा ने कहा कि जाओ उनके पास जाकर बैठो और वो शायद तुम्हें कुछ काम की बातें सिखाएंगे तो उनसे वो सीखो. और तीनों जो बच्चे थे जैसे तोसी बिट्टू हनी इन तीनों को उन्होंने कहा, बाहर आप जाओ दादाजी के पास जाओ और काम की बातें सीखो. हाँ मम्मी आप सही कह रही हो. अब वो सुषमा हो रहा है, सुषमा है बच्चों की मम्मी. तो बच्चों ने कहा आपने सही कहा है, दादाजी की हर बात पते की है, कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा. और फिर उसके साथ दोनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए. वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए. उनके हाथ साफ नहीं थे, पांव भी गंदे थे. उनको देखते ही दादाजी की बोही ऐनक के फेरे से भी बाहर तक तन गई. और बच्चों ने कहा हाँ मम्मी आपने सही कहा है, दादाजी तो पते की यानी कि उनकी जितनी भी बात होती हैं वो सारी ही ज़रूरी बातें होती हैं, आवश्यक बातें होती हैं. तो दादाजी जितनी भी बातें हमें बताते हैं वो सारी आवश्यक हमारे जीवन में काम में आने वाली बातें होती हैं. और कल जो दादाजी ने कहानी हमें सुनाई थी उसमें भी उन्होंने हमें कहानी के माध्यम से अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी. अभी जो बच्चे थे तोसी और हनी और बिट्टू ये तीनों बाहर दादाजी के पास आके बैठ गए. और जब वो दोनों बच्चे बैठे थे तो किराएदार के दो बच्चे थे उनके यहाँ, किराएदार जो थे उनके भी दो बच्चे थे खुशी और अनु, वो भी आके बैठ गए. और जो बच्चे थे किराएदार वाले यानी खुशी और अनु उनके हाथ पांव गंदे थे. तो ये देखते ही दादाजी को गुस्सा आ गया और उनकी ऐनक यानी उनके चश्मे से उसकी जो भौहें हैं यानी भंवरे जो हमारे आँखें बाहर तक आ गए. यानी कहने का मतलब है उनको उन बच्चों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो साफ और स्वस्थ नहीं थे. वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई. गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है. बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा. तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे. दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना है और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है. तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता है. जब दादाजी ने उनको देख के गुस्सा किया, क्यों, क्योंकि उनके हाथ पांव गंदे थे, अनु और खुशी के हाथ पांव गंदे थे, ये देख के दादाजी को गुस्सा आया. अब दादाजी फिर क्या कहा दादाजी ने उनको कहा कि बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई. यदि हम गंदे होते हैं तो ये क्या है, गलत और बुरी बात है. यदि हम साफ़ सफाई रखते हैं, खुद को साफ सफाई से रखते हैं और अपने आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं तो ये अच्छी बात होती है. जो गंदगी होती है वो हमारे आसपास बीमारियां लाती है. आप अच्छे से जानते हैं जब गंदगी हमारे आसपास होती है तो वहाँ जर्म्स पनपते हैं, कीटाणु जीवाणु पनपते हैं. तो उन्होंने कहा जब हम
हमारे आसपास गंदगी होती है तो गंदगी में कीटाणु जर्म्स वायरस ये पनपते हैं और इनसे आप अच्छे से आते हैं, जीवाणु कीटाणु से हम बीमार होते हैं। और जब हम साफ रखते हैं आसपास तो वो जर्म्स ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, सफाई में मर जाते हैं और हम बीमार नहीं होते। तो कहा गया जब गंदगी होती है तो वो गंदी बीमारियाँ लाती है और साफ सफाई होती है तो वो हमें बीमारियों से बचाती हैं। और ये देख के उन्होंने जब खुशी और अनु की ओर देखा, दोनों बच्चे समझ गए थे कि हमारे लिए बोला जा रहा, इसलिए वो भाग के गए और अपने हाथ पांव आकर धोकर वहाँ बैठ गए। और दादाजी ने, बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे बड़े क्या करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, तो ठीक वैसे ही दादाजी ने भी उनको शाबाशी दी और कहा साफ सफाई रखो भाई, अगर हमें अच्छी तबीयत चाहिए तो हमें साफ रहना है, यदि हमारा वातावरण हमको साफ सुथरा रखना है, हमें खुद को स्वस्थ रखना है तो हमें साफ सफाई रखनी पड़ती है। और तंदुरुस्ती हमें सभी प्रकार की बीमारियों से बचाती है, यदि हम बीमार नहीं होते हैं तो हम हमारा जीवन अच्छे से जी पाते हैं। और रात को हमारी नींद भी अच्छी होती है, जब हमारी रात को नींद पूरी और अच्छे से हो जाती है तो हमें सुबह सुबह तरोताज़ा महसूस होता है। जब हम तरोताज़ा महसूस करते हैं तो हमारे जितने भी काम होते हैं हम फटाफट करते हैं, जैसा कि आप भी नोटिस करते हो कि जब हम अच्छे से स्वस्थ रहते हैं तो हमारे काम फटाफट कर पाते हैं। और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो तंदुरुस्त रहते हैं, तो कोई आलस्य हमारे पास भी नहीं आता है। आगे देखिए, हाँ दादाजी खाना भी अच्छा लगता है, बिट्टू बोला। बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है न नींद आती, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उदासी घेर लेती है और उबासियाँ आती रहती हैं। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें, तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है, पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है, इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। बिट्टू ने क्या कहा, जब दादाजी ने उनको सफाई का महत्व समझाया तो बिट्टू बोला कि जब हमारी तबीयत अच्छी होती है तो हमें खाना खाना भी अच्छा लगता, तो ये आप भी जानते हो सब, यानी जब हम बीमार होते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का खाना अच्छा नहीं लगता, और जब हम सही होते हैं, तबीयत अच्छी होती है, स्वस्थ होते हैं, तो हमें भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन में स्वाद आने लगता है। तो फिर दादाजी ने उसको शाबाशी देते हुए कहा कि हाँ तुमने सही कहा, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा भोजन भी अच्छे से पचता है, हमें भूख भी अच्छी लगती है, और हमारी तबीयत अगर ठीक नहीं होती है ना तो हमें भूख लगती है ना हमें नींद आती है, और जब हमारी भूख और नींद की पूर्ति नहीं होती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें चारों तरफ से उदासी घेर लेती है, हमें उबासी आती है, तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी हमसे चिढ़ होने लग जाती है। आगे दादाजी ने क्या कहा कि जब हम हमारे शरीर को साफ रखते हैं तो बीमारियाँ नहीं आती हमारे पास, और जब हम शरीर को साफ नहीं करते हैं और हम दौड़ते भागते हैं तो आप अच्छे जानते हो, जब हम मेहनत का काम करते हैं, दौड़ने भागने का काम करते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, क्योंकि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये विषीले टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं और पसीना निकलता है, पसीना हमारी बॉडी के ऊपर जम जाता है और उसमें धूल मिट्टी के कण इकट्ठे होकर जम जाते हैं तो वो मेल बन जाता है, और वो मेल की अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो परत जमने लगती है, और मेल की परत से क्या होता है, हमारी त्वचा के जो रोम छिद्र हैं जो हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम करते हैं वो बंद हो जाते हैं। जब हमारे शरीर से गंदगी बाहर नहीं निकलेगी तो वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी और इस प्रकार से हम बीमार होते जाते हैं। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना, हनी बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाए, हमें शरीर में मेल नहीं जमने देना चाहिए, मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए, और हाँ सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार नाखून काटे, शोज के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आके बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं, जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब बच्चे हैं नॉर्मल, आप अच्छे से जानते हो पसीने में क्या होता है, पसीने में बदबू होती है और बदबू तो हमें वैसे ही बुरी लगती है, तो ये हनी बोल पड़ा। हनी बोला कि छी छी दादाजी, तो पसीने में तो बदबू आती है। तो दादाजी ने फिर उसको समझाया और कहा, इसीलिए हमें रोज़ नहाना चाहिए और हमारे शरीर के ऊपर पसीने की धूल मिट्टी का मेल जमा नहीं होने देना चाहिए, अगर हमारे शरीर पर मेल जम भी जाए तो हमें उसको नहा के उतारना चाहिए, यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कोई मोटा कपड़ा हमें लेना चाहिए और उससे अच्छे से रगड़ना चाहिए, और ताकि हमारे शरीर का मेल उतर सके। और उसके अलावा सुबह और शाम हमें अपने
दांतों को साफ करना चाहिए, हमें ब्रश करनी चाहिए, हफ्ते में दो बार हमें नाखून काटने चाहिए। और जब हम शौच जाते हैं, टॉयलेट होके आते हैं, तो टॉयलेट होकर जब आते हैं तो हमें वापस आके हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब सारे बच्चे यानी कि अन्नु, खुशी, बिट्टू, तोशी, ये जितने भी बच्चे थे, हनी, ये सब एक साथ बोले, इसके साथ साथ हमें हमारे कपड़े भी साफ़ रखने चाहिए। सारे बच्चे जी दादाजी बोले तो दादाजी ने कहा इसके साथ साथ हमें हमारे कपड़े भी साफ़ रखने चाहिए। गंदे कपड़े जो होते हैं वो कीटाणु लाते हैं, और हमें जहाँ तक संभव हो सके धुले हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए। किसने बताया? ये दादाजी ने समझाया। हमें घर भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए, सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने एक अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो, जो शरीर के लिए ज़रूरी। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध हो, पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोज़ाना सफाई होती हो। तोशी बोली हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें, हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से होती हैं। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। और सुषमा जो क्या थी, उन बच्चों की माँ, हन्नी, बिट्टू, तोसी, उनकी माँ जो थी सुषमा, वो आके क्या बोली कि हमें शरीर की सफाई तो रखनी चाहिए। तो दादाजी के द्वारा बताई गई बातें थी। तो जो तोशी की माता थी सुषमा, वो बोली कि हमें हमारे घर को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो दादाजी ने उसकी बातों में हाँ हमें हाँ मिलाते हुए कहा हाँ बहू, ये तो तुमने अच्छे से किया हुआ, इसीलिए तुम सुबह जब उठती हो तो फर्श पे, दीवारों पे अच्छे से सफाई रखती हो, उन पर गंदगी नहीं जमा होने देती। और आप बच्चों को तो अच्छे से पता ही है कि गंदगी किससे होती है, कीटाणु, गंदगी से कीटाणु फैलने का डर रहता है। और जब सफाई नहीं होती है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कीटाणु फैलते हैं, और ये कीटाणु क्या करते हैं, नालियों में इकट्ठा होके जमा होने लगते हैं। और दादा ने इसके साथ क्या कहा, दादाजी ने कहा कि इसके साथ में हमें खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा का सेवन भी करना चाहिए। और धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप जानते हैं विटामिन जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। और जो पानी हम लोग पीते हैं बच्चों, वो पानी हमें हमेशा साफ़ सुथरा ही पीना चाहिए। हमें गर्म करके फिर उसको छान के पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियाँ जो है वो गंदे पानी पीने से ही होती है। इसलिए हमें हमेशा ही साफ़ सुथरा और स्वस्थ पानी पीना चाहिए, शुद्ध पानी हमें पीना चाहिए। तो तोशी इस बात पे क्या बोले, ये बात तो हमारे गुरुजी ने हमें समझाई भी थी। आगे देखिए, बातें हो गई हो तो खाना लगा दो, सुषमा की आवाज़ आई। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिन भिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग दोपहर ही करने में समझदारी। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डी वर्मिंग की गोलियों से भी पेट की बीमारियां दूर रहती, आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताज़ा रहता, दादाजी कहते गए। अब सुषमा जो थी, उन बच्चों की माँ थी, उन्होंने आवाज़ लगाई, यदि आपने सारी बातें आज ख़त्म कर ली है तो खाना खा लीजिए। तो फिर दादाजी ने उनको खाने से दादाजी को याद आया, वो समझाने लगे खाने से संबंधित साफ़ सफाई की बातें। तो उन्होंने कहा कि हमें वही खाना खाना चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। इसके लिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें हमेशा पौष्टिक खाना ही खाना चाहिए जो ताज़ा हो और शुद्ध हो। पहले से काटी हुए फल सब्जियां वो हमें नहीं खानी चाहिए, और ऐसा भोजन जो खुले में पड़ा हो, ढका हुआ ना हो, जिन पे मक्खियां भिनभिनाती हो, वो तो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जो भी फल सब्जियां हम खाते हैं उनको धो के ही खाना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमें बीमार पड़ने का डर रहेगा। और आजकल स्कूलों में क्या है, डी वर्मिंग की दवाइयाँ गोलियाँ मिलती हैं, क्या होती है, पेट के कीड़े मारने के लिए दी जाती हैं। तो यदि आपके यहाँ कोई सुविधा ऐसी है तो आपको डी वर्मिंग की गोलियाँ भी ज़रूर लेनी चाहिए, और उसके अलावा आयरन की गोलियाँ लेनी चाहिए जो क्या करती है, हमें हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करती है और हमें तरोताज़ा रखती है। और ये समझाते गए।
अब देखिए, खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। रोजाना खेल में रुचि लें, मगर खेल वे हो जिनमें शारीरिक व्यायाम हो जाए। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी आदि से हम भले चंगे हो सकते हैं। तभी दादाजी भी टहलते टहलते आ गए और बातें सुनकर कहने लगे, कुछ मेरी भी सुन लो। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी, न चिड़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है न, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। अब दादाजी, जब तक वो खाना लगाया, यानी सुषमा ने खाना लगाया, तब तक दादाजी उनको ये भी बताने लग गए कि हमें अच्छा स्वास्थ्य अगर चाहिए तो अच्छे से पौष्टिक खाना तो खाना ही चाहिए, शुद्ध जल पीना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, उसके अलावा हमें कसरत भी करनी चाहिए, ताकि कसरत करते हैं तो हमारे शरीर की जो टॉक्सिन्स है वो अच्छे से बाहर निकलते हैं, शरीर का व्यायाम हो जाता। कसरत में हमें खेल भी खेलने चाहिए, लेकिन खेल वे ही खेलने चाहिए जिनमें हमारा शारीरिक व्यायाम हो, जिसमें हमारे शरीर हिलता और डुलता हो। मोबाइल पर जो गेम खेले जाते हैं उन खेलों को हमें नहीं खेलने चाहिए। जैसे कि कुछ गेम बताएं, जैसे खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी, ये कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, खेल होते हैं जिनसे हमारा शरीर व्यायाम कर पाता, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। अब दादाजी टहलते टहलते बाहर आ गए और कहने लग गए कि अच्छा स्वास्थ्य है वो हमारी खुशी की निशानी है, यानी अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, और खुश और स्वस्थ रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी से चिढ़ना नहीं चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए और किसी की चिंता भी नहीं करनी चाहिए, और हमेशा धैर्य दिखाना चाहिए, बस खुश रहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, हंसना और हंसाना चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य हमें पाना चाहिए। तो यहाँ हमने हमारा चैप्टर अच्छे से कम्प्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या सीखा बच्चों, इस चैप्टर में हमने स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो सीखी, और अच्छा स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है वो हमने इस चैप्टर में अच्छे से समझाया। अगर यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको है तो आप हमें पूछिए, कमेंट करके पूछिए, और क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी, उस क्लास में इसी चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो वर्क जो है हमारी नेक्स्ट क्लास का रहेगा। यहाँ आज आपको क्या करना है एक बार आप देखिए, तो यहाँ देखिए आपको जो पैराग्राफ हमें पढ़े थे उनके शब्दार्थ करने, जैसे तबीयत यानी स्वास्थ्य, कसरत व्यायाम, भले चंगे यानी स्वस्थ, धीरज में धैर्य, पौष्टिक में पुष्टता देने वाला, भिन्न भिनाना, भिन्न भिन्न की आवाज़ करते मंडराना, उपयोग, प्रयोग, समझदारी, अकलमंदी, तरोताजा, ताजगी। अब आगे हैं साफ सुथरा में स्वच्छ, अमल में काम या व्यवहार, विटामिन यानी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पोषण देते हैं, रोजाना में प्रतिदिन, अशुद्ध में स्वच्छ। आगे देखिए तबीयत में स्वास्थ्य, चिड़चिड़े, झुंझलाए, उदासी, सुस्ती, उबासियाँ, उल्टियाँ, मेल, गंदगी, छिद्र, छेद। आगे हैं स्वास्थ्य, सफाई यानी स्वच्छता, गंदगी, अस्वस्थता, शाबाशी, बधाई या धन्यवाद, तंदुरुस्त, स्वस्थ, तरोताजा, ताजगी से भरा, फटकना या आना। आगे हैं पुकारना, पुकारने के बाद आता बुलाना, गेम यानी खेल, वो है तंजाना है गुस्साना। तो ये यहाँ कुछ आपके शब्दार्थ, तो ये सारे ही शब्दार्थ आपको नोटबुक में एज ए होमवर्क करना है। मैंने आपको बता दिया आज आपका वर्क क्या रहेगा, नेक्स्ट क्लास का वर्क भी मैंने आपको बता दिया है, इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस।